हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं अपना जो समर गार्डन है वो आप लोगों से उसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितना खूबसूरत फूल खिल रखा है और ये मेरा कोचिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं समर के, कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ शो प्लांट्स हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और साथ में कुछ शो प्लांट्स भी हैं। कोची एक शो प्लांट्स है, इसी की केयर के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और ये देखिए मेरा एक एक्जोरा का प्लांट कितनी हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, इतना बड़ा इसका बंच बना हुआ है कि मुझे तो इतनी खुशी होती है इसे देख के। छोटा सा ही प्लांट है, ड्वार्फ वैरायटी का है ये एक्जोरा और पूरा फूलों से भरा हुआ है। बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है, बंचेस बनते ही जा रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। तो आज मैं आपसे कोचिया के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड मेरा जो कोचिया का प्लांट आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हैं, नर्सरी से हम इतना नहीं परचेज़ कर पाते, लेकिन आपको जो इतने सारे प्लांट दिख रहे हैं वो मैंने सीड्स के थ्रू ग्रो किया हुआ है। मैंने इसके सीड्स जर्मिनेट किए थे, उसकी भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आई बटन भी पॉसिबल होगा तो दे दूंगी। तो ये देखिए मैंने ये सीड्स इसके ग्रो किए थे, काफ़ी सारे प्लांट्स लगा चुकी हूँ, आप देख रहे हैं कितने सारे प्लांट थे। उसके बाद भी ये इतने सारे जो आप देखिए ये सीड्स, कम से कम 100 प्लांट्स अभी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से हेल्दी से प्लांट हैं। और अब इतना ही लगा पाई मैं, तो ये देखिए बहुत प्यारे एक एक सिंगल प्लांट भी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये पूरा पॉट कम से कम 100 या फिर कुछ कम होंगे। और ऐसा एक और सीडलिंग किया था, तो उसमें भी दो पॉट में सीडलिंग की थी, दोनों बहुत अच्छी जर्मिनेशन हो गई थी, तो बहुत सारे पॉट मेरे पास तैयार हो गई थी। तो कुछ तो आप देख ही रहे हैं मैंने लगा दिया है, बट कुछ मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया, बहुत सारे प्लांट्स मैंने शेयर कर दी थी, क्योंकि ये बहुत ईजी टू ग्रो है, बहुत ईजिली ये जर्मिनेट हो जाता है। ये मैंने कोकोपीट में ग्रो किया है और एक सॉइल में भी ग्रो किया था, तो दोनों की जर्मिनेशन सेम थी, दोनों ने ही बहुत अच्छी सीडलिंग तैयार हो गई थी, प्लांट तैयार हो गए थे। तो ये कुछ ऐसे है और कुछ मैंने पॉली बैग में लगाए थे। फ्रेंड जब मैंने इसे पॉली बैग में ऐसे सिंगल सिंगल प्लांट शिफ्ट किए थे, छोटे छोटे प्लांट ही शिफ्ट किए थे, तो मैंने सोचा था कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन इतने सारे प्लांट मैंने लगा लिए तो इतना पॉट लाना पॉसिबल नहीं है। और फिर वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से घर से निकलना नहीं हो रहा, मैं काफ़ी दिन से घर में ही हूँ, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं, आपको भी पसंद आ रहे होंगे। तो बस ऐसे ही मैंने देखिए सारे पॉली बैग में ही लगे हुए हैं, सभी के सभी पॉली बैग में है, एक भी मैंने पॉट में शिफ्ट नहीं किया। पॉली बैग का साइज़ थोड़ा बड़ा है और उसमें मैंने सॉइल अच्छे से भर के लगा दिया है, तो ग्रोथ अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए लगेगा कि आपको पॉट में ही है, लेकिन ये पॉली बैग्स में है, नर्सरी से पॉली बैग्स लाई थी। तो फ्रेंड इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ कि मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं, इतने बुशी हैं, इतने खूबसूरत लुक दे रहे हैं, तो इसी की केयर पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। जब इसकी मैंने सीडलिंग तैयार की थी और इसे शिफ्ट कर दिया था, तो मैंने इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया था, एक हिस्सा कंपोस्ट लिया था और एक हिस्सा उसमें सैंड भी मिक्स किया था। सैंड मिक्स करने से जो सॉइल में वाटरिंग करते हैं वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है, तो सॉइल में सैंड के साथ साथ कंपोज और गार्डन सॉइल आप मिक्स करके लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इसमें कुछ मेरे ख्याल से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए कोचिया में हल्की सी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, छोटे छोटे फूल खिलते हैं, फिर उनमें सीड्स बनते हैं और उसके बाद इसके सीड्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके छोटे छोटे फ्लावर्स भी बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल तैयार करके उसमें इसे रिपोर्ट करेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद मैंने इसमें कुछ DAP के दाने डाल दिए थे। DAP के दाने डालने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, देखिए कितना बुशी कितना हेल्दी प्लांट हो गया, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि ये पॉली बैग में बहुत सुंदर से ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है। और ये देखिए यूजलेस पॉलीथीन है, तो उसी में सॉइल भर के मैंने ये लगा दिया और देखिए कितने बड़े साइज़ का हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है, सभी के सभी है पॉली बैग में है। मैं इसे फुल डे की सनलाइट देती हूँ, कोचिया को फुल डे की सनलाइट की नीड होती है, जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी ग्रोथ करता है ये और उतना ही ग्रीनरी देता है। तो मैंने भी इसे फुल डे की सनलाइट में रखा हुआ है, पहले ये जब मैंने इसे पॉलीथीन में शिफ्ट किया था तो टेरिस पे था, अब जब इसका साइज़ अच्छा हो गया, ग्रोथ शुरू हो गई, तो मैं इसे नीचे अपने गार्डन में लाई हूँ। तो आप इसे अच्छी सी धूप दीजिए, वाटरिंग का भी ध्यान रखेंगे, गर्मी है बहुत तेज़ गर्मी है, एक बार वाटरिंग करेंगे तो ये शाम तक या नेक्स्ट डे तक झुलसने लगता है, सूखने लगता है, तो आप इसमें एक दिन में दो बार वाटरिंग करें। मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, वेदर अच्छा है, फिर भी
इसे दो बार वाटरिंग करनी ही पड़ती है, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है और ये ड्राई भी होने लगते हैं। तो मैं इसमें 2 टाइम वाटरिंग करती हूँ। कंपोज क्या है इसका, मैंने इसे जब रिपोर्ट किया था तो मैंने इसमें गार्डन सॉइल के साथ साथ अच्छी क्वांटिटी में कंपोज ऐड कर दिया था 1/3 की रेशियो में, और उसमें अच्छे से कंपोज ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें DAP के दाने डाले थे 15-20 दिन के गैप पे। और आप चाहें तो इसमें कुछ वर्मी कंपोज वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही तो इस तरह से आप इसमें इसमें वर्मी कंपोज, काउडंग कंपोज और DAP ही यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा और कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है, उसी से इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। DAP का जो टाइमिंग है 15-20 दिन या 25 दिन के गैप पे आप इसमें DAP ऐड करते रहेंगे ना, तो ग्रोथ करता रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी। फिर इसमें सीड्स बनने लगते हैं, फिर आप उस सीड्स को प्रोपोगेट करने के लिए, प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए जब सेव करना है, वो सीड्स को ही आप अच्छे से सेव कर लेंगे। मैं जब सेव करूँगी ना इसके सीड्स, तो आप लोगों से इसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो बहुत इजी टू ग्रो होता है, प्रोपोगेशन इसका बहुत इजी है, और प्रोपोगेशन का बस एक ही तरीका है, इसे आप सीड्स के थ्रू ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड, और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि है ही इतना प्यारा प्लांट कोचिया, बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, और मेरे गार्डन में इसके वजह से अलग सा ही लुक आ रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए मेरा ये फाउंटेन, ये गार्डन में है, बहुत दिनों से मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, बहुत दिनों से मैंने ऑन नहीं किया था, तो आज सोचा कि इसे ऑन करके आप लोगों से भी शेयर करते हैं। देखिए ये यूज़लेस कंटेनर का कैप है, और इसी में मेरे हस्बैंड ने फाउंटेन बनाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा लगता है। हम यहाँ बैठते हैं गार्डन में तो इसे ऑन कर देते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बिल्कुल झरने जैसी आवाज़ आती है, छोटा सा फाउंटेन है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये फाउंटेन आपको कैसा लगा, और बहुत इजी है बनाना, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो मैं इस पर अलग से भी वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए कि ये कैसे बना हुआ है। और ये मेरा कोचिया, और ये छोटा सा मेरा समर गार्डन, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि कोचिया की जो केयर है वो आपको कैसे लगी, और मेरा गार्डन आपको कैसा लगा। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।